तरह से आपने बॉलीवुड में कदम रखा है टीवी शो से, और जिस तरह से आए दिन हम जब किसी से बात करते हैं जो लोगों की जो तारीफ होती है आपके कार्य को लेकर, जो सराहना करते हैं, ये सुनकर कितना अच्छा लगता है? अब डेफिनेटली कोई भी इंसान अपनी तारीफ सुनता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है, और मेरी भी जब तारीफ होती है तो कभी कभी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा तारीफ हो जा रही है जिसके काबिल अभी तक मैं नहीं पहुंच पाया हूँ। लेकिन फिर भी अपनी तारीफ तो हर इंसान को अच्छी लगती है, डेफिनेटली मुझे भी मेरी तारीफ पसंद आती है। तो बॉलीवुड में आपने कदम रखा है, बॉलीवुड में कहा जाए या फिर टीवी शो को लेकर, तो कोई ऐसा एक नाम जिसको आप फॉलो करते हैं, जिनसे आपको सीख लेने की जरूरत है कि हाँ मुझसे इनसे कुछ सीखना है अगर मुझे इस ट्रैक पे इस लाइन पे जाना है? अगर इंस्पायर होना है तो मुझे ऐसा लगता है अक्षय कुमार इज द बेस्ट। मुझे लगता है कि कोई भी एक्टर अगर किसी को फॉलो कर सके तो वो अक्षय कुमार को फॉलो करे। उनकी एक्टिंग, उनका लुक, उनका अंदाज और उनका जो सोशल समाज के लिए जो उनका काम, वो सब वाकई तारीफ़ काबिल। अगर किसी एक्टर को फॉलो, पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे किसी को फॉलो करना हो तो डेफिनेटली मैं अक्षय कुमार को ही फॉलो करूँगा। आपका हाल में ये जो एक टीवी शो आ रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, जिसमें आप विष्णु भगवान आई थिंक बने हुए नजर आ रहे हैं? वो मोती सागर जी का एक शो है दिव्य शक्ति, जिसमें मैं लीड कैरेक्टर में हूँ, और मैंने विष्णु जी का और उसमें एक कैरेक्टर है बैजू का, मैंने उसमें डबल रोल किया है, और वो शो बहुत ही शानदार, ये कह सकते हैं कि मैंने अभी तक जितने भी शोज किए हैं उसमें सबसे शानदार यही शो रहा, क्योंकि उसमें मुझे डबल वेरिएशन काम करने को मिला और लोगों ने उसे काफ़ी पसंद किया। दोनों कैरेक्टर मतलब काफ़ी हिट हुए, इवन कि ऐसा तक हुआ प्रोड्यूसर मोती सागर जी ने कहा कि ये जो ट्रैक है बैजू और विष्णु जी का, इसे और बढ़ाया जाए। बहुत अच्छा शो रहा और मैंने इसमें मतलब मुझे इससे बहुत ज्यादा तारीफ मिली, बहुत अच्छा शो रहा। तो भगवान विष्णु थे, जिस तरह से भगवान का नाम आता है और उस जब कैरेक्टर को आपको प्ले करना है तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, तो इसके लिए कुछ खास तैयारी करनी पड़ी? मन में कोई डर था कि कैरेक्टर को मैं किस तरह से बखूबी निभा पाऊं? या डेफिनेटली थोड़ा सा डर था, बहुत थोड़ा सा डर था, क्योंकि एक्चुअली हम नॉर्मल अभी तक मैंने जितने शोज किए हैं काफी मतलब दबंग टाइप के शोज किए हैं, लेकिन जो विष्णु जी का कैरेक्टर था वो जो भगवान का कैरेक्टर तो काफी धीर गंभीर होता है, उसके लिए मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ी। इन द सेंस मेहनत मतलब मैं रात को ऐसे बैठा रहता था तो एकदम फील करता था कि वो एकदम विष्णु जी भगवान, एकदम मतलब गंभीरता लाता था, और उसके बाद फिर जब मैंने किया तो लोगों ने, डायरेक्टर ने बहुत ज़्यादा तारीफ की, वो जो गंभीरता फेस पे दिखी उसकी बहुत ज़्यादा प्रेजिंग हुई। जिस तरह से आपने कहा आपने हमेशा इस दबंग तरीके से काम किया है, तो भगवान विष्णु के बाद अब आप प्रतिज्ञा काजल में जो दबंग रूप दिखाना है तो उसके लिए कितना तैयार है, और इस कैरेक्टर से जल्दी प्लेटफॉर्म चेंज करना है तो कितना मुश्किल होता है ये? मैम इसके लिए कोई मुश्किल नहीं होता, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पिछले इंटरव्यू में आपको बताया था कि दबंगपन जो है वो तो मेरे ब्लड में है, उसका कोई भी कैरेक्टर होता है उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसके लिए मुझे कोई तैयारी की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी काफ़ी प्रिपेयर मैंने किया है इस विषय में, तो इसके लिए मुझे दबंग वाले कैरेक्टर के लिए तो मुझे कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं, बस मैं मौके का इंतजार कर रहा हूँ कि मैं कब ऑडियंस के सामने आ सकूँ। तो प्रतिज्ञा काजल की किस तरह से आगे शूटिंग की तैयारी चल रही है, और आपका जो किरदार है उस किरदार के लिए आप कितने तैयार है कि आपको कुछ चेंज डायरेक्टर के द्वारा या प्रोड्यूसर के द्वारा कुछ आपके अंदर चेंजिंग या कुछ नए लुक की बात हुई है? नहीं मैम, नए लुक की तो कोई बात नहीं हो रही, हाँ उसकी शूटिंग के लोकेशन की जरूर बातें हो रही है कि मुंबई में प्लान कर रहे हैं, फिर अभी मैं पटना भी लोकेशन देखने गया था, ऐसे मतलब बहुत जगहों पे उसके लोकेशन शूटिंग की प्लानिंग चल रही है, बाकी मेरा जो कैरेक्टर है वो तो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और आगे क्या सोचते हैं तुलजी, और किस तरह के किरदार को निभाना चाहते हैं? हर किसी के मन में एक ख्वाहिश होती है कि मुझे इस तरह के किरदार का, अगर हमें इस किरदार की कोई सीरियल मिले या फिल्म मिले तो किस तरह के किरदार को निभाना चाहते हैं? मैं देखिए प्रिया जी एक बात कहना चाहूंगा, मैं मोस्टली वो जो दबंग वाला, जो सलमान खान लाइक दबंग मूवी आई है ना, उस टाइप का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आता है, और उसी कैरेक्टर से रिलेटेड मेरी एक मूवी भी आ रही है फिरौती, जिसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, रवि किशन जी हैं, रजनीश दुग्गल जी हैं, मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ वो आ रहे हैं, उसमें भी मेरा वैसे ही दबंग कैरेक्टर देखने को मिलेगा ऑडियंस को। तो फिरौती कब से उसकी शूटिंग स्टार्ट की है? फिरौती उसकी शूटिंग लास्ट जुलाई से मुंबई से स्टार्ट होगी, एक्चुअली रवि जी की ये पॉलिटिक्स में बिजी होने की वजह से उसमें थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन जुलाई लास्ट मंथ से उसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अतुल जी भी राजनीति की तरफ कदम रखने की कोई सोच रखते हैं? अभी तो नहीं, उसमें जरा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक दो मूवीज आने के बाद और सुपर डुपर हिट होने के बाद फिर मैं जरूर पॉलिटिक्स में आने की सोचूंगा। वो कौन सा पार्टी होगा जहाँ पर, जिस तरह से भोजपुरी जगत में देखा जाए, आप आपने रवि किशन की बात की, हर कोई जिस तरह से भाजपा की तरफ सबका रुख नजर आता है, क्या अतुल जी किस तरफ के रुख को देखते हैं? डेफिनेटली ओनली एंड ओनली बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी।
और दर्शकों से, फैन से क्या कुछ कहना चाहेंगे अतुल जी? फैन से यही कहना चाहूंगा कि जैसे मेरे शोज को आप लोग लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उसी तरह देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा प्यार मोहब्बत दीजिए। फिर देखिए अतुल पांडे आप लोगों के लिए एक से एक नई चीजें लेकर के आएगा। बाकी दर्शक ही तो सब कुछ है। जय हिंद। चलते 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 एक आखिरी सवाल, अतुल पांडे के अभिनय की बात करें तो अतुल पांडे के अभिनय का जो चक्की है बहुत स्लो चल रहा है बॉलीवुड में, उसको तेल पानी लगा के चलाया जा रहा है जी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कोई तेल पानी लगा के चलाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। मतलब एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने स्टार्टिंग किया छोटे पर्दे से, तो छोटे पर्दे से जब मैंने स्टार्ट किया तो अब बड़े पर्दे में आने के लिए कुछ वक्त तो डेफिनेटली लगता है। लाइक आप सुशांत सिंह को देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो छोटे पर्दे से आ रहे हैं तो बड़े पर्दे में उनको आने में टाइम लगता है। सेम यही मेरे साथ भी है। बाकी तेल चक्की लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अतुल पांडे में वो काबिलियत है कि लोग उनके काबिलियत को पहचान लेते हैं। मैं भी गाँव से, बहुत छोटे गाँव से रह के आया हूँ और मुंबई में आके मैंने मतलब अच्छा काम किया है, लेकिन छोटे पर्दे से बॉलीवुड तक में आने में जरा सा वक्त तो लगता ही है, जो हमें देना भी पड़ता मतलब है। आने आने वाले दिनों में अतुल पांडे का लोग लोहा मानेंगे, ऐसा ऐसा मानते हैं? कह सकते हैं, देयर इज नो डाउट इन दिस। व्हाई? क्योंकि अब व्हाई इसका तो कोई जवाब नहीं है, मुझे मेरा जो कॉन्फिडेंस कहता है, इसे आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते, इसे ओनली कॉन्फिडेंस कह सकते हैं। मेरा जो कॉन्फिडेंस कहता है, लोहा मानने की बात ये नहीं है कि मेरा किसे कंपटीशन है, मुझे ये लगता है कि मेरे काम को दर्शक ज्यादा पसंद करेंगे। टीवी शो और टेलीविजन में कितना डिफरेंट होता है? आप एक टीवी सीरियल कर शूट करते हैं और एक जब आप फिल्म के लिए काम करते हैं, दोनों में किस तरह से डिफरेंस देखते हैं आप? जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। वो जो टेलीविजन होता है बहुत छोटा पर्दा होता है, उसके लिए हमें उतनी ज्यादा प्रिपरेशन की तैयारी नहीं होती है, जबकि मूवीज का जो ग्राफ होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो इसमें बहुत डिफरेंस है। और जिस तरह से निर्भया कांड के बाद उनको भी अभी सजा की बात की जाए, उन्हें भी उस तरह से सजा नहीं मिले, उसके बाद एक 2.5 साल की बच्ची के साथ, ट्विंकल के साथ जो केस हुआ, क्या लगता है आप क्या सोचते हो, आपकी सरकार से क्या विनती होगी, किस तरह की सजा उन अपराधियों को मिलना चाहिए? मैम ये तो बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्मनाक है, सारी मानवता इससे शर्मसार होती है। उन लोगों के दिमाग की सोच की हम कुछ सोच भी नहीं पाते, वहां तक हम सोच भी नहीं पाते कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। इनके लिए कानून, गवर्नमेंट को हम सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे, अगर मेरी पर्सनली राय ली जाए तो ओनली डेथ एंड ओनली